गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न चैप्टर 28 रीडर्स चॉइस। हमारी ये जो लैंग्वेज है एंड लिटरेचर साहित्य और हमारी जो भाषा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नेम द बुक विद द हेल्प बॉक्स गिवन ब्लू। आपको जो हेल्प बॉक्स दिया है वहाँ की हेल्प से आपको ये नेम फिल करना है। नंबर वन पे हमारा आता है अ बुक कंटेनिंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद देयर मीनिंग। एक ऐसी बुक जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबके वर्ड्स मीनिंग से लिखे होते हैं उसका नाम क्या होता है हमारा, वो होती है हमारी डिक्शनरी। हम डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली लगी होती है, किसी भी वर्ड का मीनिंग इजीली सर्च कर पाते हैं। नंबर टू पर होता है हमारा ईयरली कैलेंडर ऑफ मंथ्स एंड डेज विद वेरियस इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा पूरे साल का कैलेंडर होता है हमारे मंथ और डेज के बारे में हमें अलग अलग तरह की जानकारी देता रहता है, वो हमारा होता है एल्मेनक। नेक्स्ट नंबर टू पर होता है हमारा नंबर थ्री पर होता है हमारा अ बुक यूज टू राइट डाउन डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटी। एक ऐसी बुक जिसमें हम डेली रिकॉर्ड इवेंट कोई भी घटना या कोई भी हमारे जो क्रियाकलाप है उसको लिखते रहते हैं, उस बुक का आपको नाम बताना है। तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है डायरी। नंबर फोर पर होता है हमारा अ बुक इन विच स्टैम्प्स और फोटोग्राफ्स आर पोस्टेड और इंसर्टेड। एक ऐसी बुक जिसपे स्टाम्प और फोटोग्राफ पेस्ट होती है वो क्या कहलाती है हमारी, रजिस्टर। नहीं नहीं, वो कहते हैं स्टाम्प एल्बम्स। अ बुक कंटेनिंग मैप्स, एक ऐसी बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप लगे होते हैं वो होती है हमारी एटलस। नंबर सिक्स पर होती है अ बुक इन विच एंट्रीज लाइक अटेंडेंस इन अ स्कूल, बर्थ्स और डेथ इन अ टाउन एक्सेट्रा आर मेड। एक ऐसी बुक जिस पर स्कूल की बर्थ डेट सब लिखी होती है वो होती है हमारी, स्कूल में होता है रजिस्टर। नंबर सेवन पर होती है हमारी अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। एक ऐसी बुक जिसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है सभी सब्जेक्ट की और उसमें अल्फाबेटिकली हमें इजीली मिल जाता है, वो होती है हमारी एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को रीड करना है, अपनी बुक पर जब भी आप लर्न करेंगे अपना डे और डेट ये जरूर लिखेंगे, अच्छे से लर्न करना है। तो थैंक यू एवरीवन।